हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन पटेल और आपका स्वागत है फिर से एक बार दिव्य पटेल चैनल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि फोटोशॉप में वन क्लिक पे पासपोर्ट साइज फोटो कैसे तैयार की जाती है। ठीक है दोस्तों, आज हमने आज से पहले हमारे अगले वीडियो में आपने ये भी सीखा है कि पासपोर्ट साइज के फोटो कैसे बनाया जाता है, मगर आज हम एक नया तरीका सीखेंगे कि ओनली एंड ओनली वन क्लिक पे पूरा का पूरा फोटो साइज पासपोर्ट साइज का फोटो कैसे तैयार किया जाता है। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ ये मेरा दिव्य पटेल चैनल है और उसे उस वीडियो को आप देखें, जरूर देखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को पुश करके उसे रखें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने फोटोशॉप की ओर नया लेसन सीखने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोई एक फोटो ओपन कर लेंगे। मान लो कि ये वाला फोटो हम ओपन करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे विंडो में जो एक्शन का टूल्स आता है वो बार में, विंडो बार में एक्शन अल्टर F9, उसे आप यहाँ से ओपन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एक्शन बनाई हुई है और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्रिएट न्यू सेट, यहाँ पे हम PP ऐसा सेट का नाम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इसमें और एक क्रिएट न्यू एक्शन, और यहाँ पे दोस्तों PP और फंक्शन की में अगर आपको क्लिक करके एक्शन प्ले करनी है और या तो कोई सिंगल की से एक्शन को प्ले करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फंक्शन की F3 उसके साथ शिफ्ट और कंट्रोल के साथ कोई भी आप ले सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल या तो कोई भी है या तो सिर्फ F3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका एक्शन बन रहा है PP नाम का, उसमें आप कलर भी बटन के ऊपर कलर भी रख सकते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले रेकॉर्ड अपना एक्शन चालू करेंगे, यहाँ पे अपना एक्शन चालू हो गया, अब हम जो भी करेंगे वो रेकॉर्ड होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रॉप करेंगे, यहाँ से क्रॉप 2x2 by 3x और यहाँ पे अपना जो क्रॉप वाला आ गया है उसे हम छोटा करके जितना भी हमें चाहिए उतना हम यहाँ से रख लेंगे, तो ये 2x3 का हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको फोटो को यहाँ से वहाँ मूव करना है तो जो क्रॉप वाला एरिया है उसी में से ही सिलेक्ट करके आप मूव कर सकते हैं। अगर आपने बार का एरिया पे क्लिक करके मूव किया तो ऐसे होगा, वो रोटेट होगा, मूव नहीं होगा। तो आपको जो क्रॉप वाला एरिया है वहाँ से सिलेक्ट करके ही आपको मूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंटर देंगे और सबसे पहले उसका क्या करेंगे हम इमेज साइज में, इमेज साइज में यहाँ पे अपना रिजोल्यूशन 200 का दे देंगे। ओके, तो अपना ये पासपोर्ट साइज का एक फोटो कंप्लीट हो गया, उसे हम यहाँ से कैनवास भी दे सकते हैं और स्ट्रोक भी दे सकते हैं। तो
कंट्रोल ए करके एडिट मेनू में स्ट्रोक में यहाँ पे 15 और जो हमें कलर चाहिए व्हाइट कलर का बॉर्डर का चाहिए तो व्हाइट कलर और इनसाइड ओके। तो ये अपना व्हाइट कलर का बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी करके सी डी सिलेक्ट करेंगे और नया फाइल ओपन करेंगे। यहाँ से फोटो यहाँ पे 8x12 रिजोल्यूशन 200। हमें रिजोल्यूशन खास याद रखना है, जो भी हम वो फोटो में रखें वही रिजोल्यूशन हमें किसी फोटो में रखना है। रिजोल्यूशन हमें 200 रखा है। तो ये अपना 8x12 का फोटो ओपन हो गया है, नया फाइल ओपन हो गया है। और यहाँ से ये फाइल को मूव करके अब इफ ओपन में ओपन हुई फाइल में हम लोड कर देंगे। और यहाँ से इसको हमें ब्लैक बॉर्डर भी चाहिए दोस्तों, तो फिर से एक बार स्ट्रोक में जाके यहाँ पे ब्लैक कलर और यहाँ पे 3 या 4 और आउटसाइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर भी आ गई। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल जे करके यहाँ पे मूव करके पूरा का पूरा फाइल को यहाँ से इसे सेट करना है, फोटो को, सभी फोटो को। तो अपना ये पासपोर्ट साइज का पूरा फोटो का प्रोसेस जो हमने एक्शन बनाई हुई है वो कंप्लीट हो गई। तो अब यहाँ इसे हम उसे स्टॉप कर देंगे। और याद रखना है कि ये जो अपना एक्शन बना हुआ है उसे प्ले करने से पहले यहाँ पे आपको ये बटन को क्लिक करके टॉगल स्टेट को ओपन रख के अनेबल करके बाद में प्ले करना है। तो हम फिर से देखते हैं, ये फोटो को हम क्लोज कर लेते हैं उसे कंट्रोल चेंज करके जो ओरिजिनल पोजीशन थी उस पोजीशन में ला के रख देंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक्शन 2 जो एक्शन 2 पे क्लिक करेंगे या तो उसके सामने जो हमने शॉर्टकट की रखी है F3, तो कोई भी आप एक भी एक्शन करेंगे या तो क्लिक करो या तो F3 क्लिक करो। तो आप देखेंगे कि देखो ये मेरा F3 क्लिक किया हुआ है। तो यहाँ से एक बार आपको जो भी फोटो ओपन करे उसे ऐसे क्रॉप में सेव करना होता है और एंटर दबा दो। बस अब कुछ करना ही नहीं है, देखते रहना है कि अपना फोटो अपने आप एक्शन, यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्शन प्ले हो रहा है। आप देखेंगे पूरा पासपोर्ट साइज का फोटो कंप्लीट हो रहा है। दोस्तों ये इजी स्टेप है, एक बार कर लेंगे तो आपको जब भी पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी तो वन क्लिक में आपका टाइम भी बचेगा और वन क्लिक में ये आप अपना काम कर सकते हैं। देखो ये अपना कंप्लीट हो गया है। तो एक याद रखना है दोस्तों कि जो भी फोटो को हमें पासपोर्ट साइज बनाना है तो उससे पहले आप कलर करेक्शन कर लो। कलर करेक्शन करने के बाद नया सेट बनाओ यहाँ से और नई एक्शन बनाओ, बाद में उसे रिकॉर्ड करो। ठीक है दोस्तों, तो अपना ये वीडियो खत्म हो रहा है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।